नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो आज हम वर्कशीट पढ़ेंगे 13 10 2020 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या चल रही है? प्रोज देते, पोएट्री देते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है ये प्रोज चल रही है। क्लास 9, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अच्छा जी, इतना ब्यूटीफुल माइंड होता है? लोग तो चेहरे को ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन नहीं, ब्यूटीफुल माइंड होता है। तो चलिए इस हम पाठ के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं, कहां से आया है या सीबीएसई वालों ने ऐसे ही हमें उठा के चेप दिया है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए हम सबसे पहले अपने सपोर्ट मटेरियल, सभी बच्चों को लगभग मिल चुकी है कि बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट मटेरियल 2020-21 क्लास 9th इंग्लिश। नॉट फॉर सेल, बेचे जाओगे तो बुलाए जाओगे, किधर? पीटने के लिए बुलाएंगे और कहां बुलाएंगे। तो चलिए, तो प्रोज जो बुक का नाम है बीवी है, ठीक है, बीवी है, ठीक है, और पोएट्री और सप्लीमेंट्री जिसका नाम है मोमेंट्स, ठीक है। तो जो आपकी ये है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो आपका लिया गया है ये प्रोज वाली किताब से लिया है जिसका नाम है बीवी। तो द फन ऑफ द हेड, ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके दो पार्ट थे, ठीक है, एवलीजेंसी एंड आपका वो था तानसेन, कह रहा हूं यार, जो सहनाई बजाते थे यार, सहनाई, बिस्मिल खान, बिल्कुल, ठीक है। अ लिटिल गर्ल, ये भी पढ़ लिया था, ठीक है, केजिया, जो अपने पिताजी से डरती थी, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला नहीं उसके पिताजी बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो पेज नंबर 62 से 65 जल्दी से खोल लेते हैं बिना किसी एड ब्रेक के। अब पता नहीं आप लोगों में एड आता है कि नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कहां से आ गया भाई, एक पेज ये रहा, लेसन 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये इसका एक ही है, मैंने देख लिया इसमें, ठीक है। तो बच्चों इसके खास बात ये मैं दिखा रहा हूं, अगर आपको ये आंखों में पढ़ते पढ़ते दर्द हो जा रहा है मोबाइल में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने सपोर्ट मटेरियल निकालिए, पेज नंबर 62 निकालिए। अब देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न ऑन मार्च 14, 1879, ठीक है। तो सेम चीज है, और लास्ट में आके देखेंगे वर्ड, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे भाई साहब, तो विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है, तो वैजरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखने में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप अपने सपोर्ट मटेरियल में देख लीजिए, और मैं तो यही कहूंगा कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप अपने सपोर्ट मटेरियल से मिलाइए, ठीक है, बस सुनते रहिए और मिलाते रहिए, ठीक है, चाहे यहाँ से पढ़ ले चाहे यहाँ से पढ़ ले। अब देखो मैं यहाँ से पढ़ू, कुछ बच्चे के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं होगी तो वो कहाँ से मैच करेगा, ठीक है, तो उसे कुछ अजीब सा लगेगा। तो मैं मोस्टली मैं यहीं से पढ़ना चाहूंगा, इसके जो वर्ड है थोड़े छोटे छोटे हैं, इसके वर्ड कुछ बड़े बड़े थे, लेकिन क्या करें, हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में आपको पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपके 8-8 नंबर के आते हैं, ठीक है, ये रे लास्ट में आपके 8-8 नंबर के पेपर आते हैं, इसमें ध्यान देना। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, पिछले साल में अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला भी आया था, ठीक है, ये वाला, इस वाले पेपर में, दूसरे पेपर में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। व्हाई डिड आइंस्टाइन्स फ्रेंड कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ठीक है, ब्रदर बोरिंग, देखो यहाँ पे आया होगा, ठीक है, पढ़ेंगे तो साथ के साथ तो आ ही जाएगा। और ये जो आपका आया था SA1 में आया था 2019 में, ठीक है, SA1 का पेपर था 9th क्लास का। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे और इसे भी आप बता लोगे अच्छे से, जैसे हम स्टोरी कवर करते ही रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, और लास्ट में कुछ मैं आपको वर्ड मीनिंग दे दूंगा जिससे आप इसे मैच करके आसानी से पढ़ सकते हैं अपने आप भी। सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल करिए, सरकार बहुत कुछ दे रही है, और DOU वाले तो वर्कशीट दिए ही जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन को सभी लोग जानते हैं, E=mc², क्या E=mc², आपको एक चीज बताऊं, E=mc², तो एम सी को दो बार लिख सकते हैं ना, माई सीबीएसई क्लास, ठीक है, बस और कुछ नहीं था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मार्च में जन्म हुआ था इनका, 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म, ठीक है, वहां के जो किसी के सिटी का नाम है अल्म, जैसे यहाँ पे दिल्ली कहते हैं वहां पे अल्म होगा, क्योंकि यहाँ यू कैपिटल में कोई किसी भी चीज का नाम अगर यू कैपिटल में लिखा जाता है फर्स्ट लेटर, तो समझ लीजिए वो किसी प्लेस का नाम है। ही कुड नॉट टॉक
फॉर अबाउट 2.5 ईयर्स, मतलब उन्होंने लगभग 2.5 साल के लगभग उन्होंने उन्होंने बोला ही नहीं. हिज मदर, जो उसकी माता जी थी, थॉट हिम टू बी अब नॉर्मल. लगता है कि उसकी माता जी को लगा ठीक नहीं है, लगता है बच्चे में कुछ गड़बड़ है. ठीक, तो हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. ठीक, वही देखो यार, ब्रदर बोरिंग. एंड एट द स्कूल हिज हेड मास्टर सेड, और उसके स्कूल के मास्टर जी ने कह दिया दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. लड़का किसी भी कीमत पे सफलता प्राप्त नहीं कर सकता. ही यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, जबकि आइंस्टाइन लगभग हर एक सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करते थे. उसमें माइंड को देखते उन्होंने बोल दिया ऐसा. इन द हाई स्कूल इन द मुचीन, मुचीन की हाई स्कूल में, बट फेल्ट सफोकेटेड. सफोकेटेड का मतलब होता है आपका, अब मैंने देखो अगर आप भूल जाइएगा तो यहाँ से आप आसानी देख रखे हैं. ठीक है, मैं बीच बीच में दिखा दूंगा आपका, मगर मैंने लाइन से लिखा है बोर्न का, प्लेमेट्स का, सफोकेटेड का घुटन. ठीक है, तो वहां पे उनको अपने आप में बहुत ही घुटन महसूस होती थी मुचीन में. ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और स्ट्रिक्ट का मतलब ना सख्त, जो सख्त वहां के नियम कानून थे, जैसे इस प्रकार स्कूल में, इस प्रकार से उन्हें घुटन होती थी ऑफ द स्कूल, स्कूल के. सो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, और 15 साल की उम्र में ही कन्विक्ड, मतलब कन्विंस्ड अपने माता पिता को, हिज पेरेंट्स को अपने कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं आफ्टर लॉन्ग डिसीजन. ठीक है, अब काफी लंबे डिस्कशन से उनको मना लेते हैं. ठीक है, टू कंटिन्यू ही एजुकेशन, वो अपने एजुकेशन को बनाए रखेंगे इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में जर्मन स्पीकिंग के साथ अपने एजुकेशन को बनाए रखेंगे. लेकिन इससे पहले क्या होता है, जो इसका हेड मास्टर है ना, कहाँ चला गया, जो इसका हेड मास्टर है, इन्होंने बोल दिया था कि आइंस्टाइन, ठीक है, को इसकी माँ को बुलाया गया था तो, और उसके स्कूल से भेज दिया गया बाहर. ठीक है, और इनकी मम्मी को बताया गया कि अपने बच्चे को ले जाओ, आपका बच्चा किसी भी कीमत पे पास नहीं हो सकता या नहीं पढ़ सकता. तो जब आइंस्टाइन की माता जी बाहर आती है तो उनका आइंस्टाइन पूछता है, तो मम्मी जी, तो हेड मास्टर ने क्या कहा, तो हेड, उनकी माँ देखो बातें बनाती है और मोटिवेट करती है अपने बच्चे को, कि हेड मास्टर ने कहा कि आप इतने ज्ञाता हो आइंस्टाइन, कि हेड मास्टर ने कहा कि हमारा स्कूल आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो आइंस्टाइन को ये लगता है सच में उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उसे ये स्कूल नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, जबकि उसे निकाला गया था स्कूल से, लेकिन उसके माँ ने ऐसा बताया और आइंस्टाइन के दिमाग में ये छप गई और आगे जाके वो साइंटिस्ट बनते हैं. और हेड, उससे जरूर हेड मास्टर से मिले कि नहीं मिले इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, मिलना तो चाहिए था ना उस बड़ों से. चलो आगे आते हैं. आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड, जब वहां पे जर्मन गए उससे पहले हाईली गिफ्टेड, जो इन गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड था, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनकी काफी अच्छी थी. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्योरिच, ज्योरिच यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएट की, ग्रेजुएशन की इन 1902. ठीक है, 1902 में ही फाइनली गॉट अ जॉब. फाइनली उन्हें एक जॉब मिल जाती है एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें एक जॉब मिल जाती है इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्लिन. बर्लिन के पेटेंट ऑफिस में उन्हें एक जॉब मिल जाती है. वाइल डूइंग हिज जॉब, जब अपना वो जॉब कर रहे हैं साथ के साथ, ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज एंड सीक्रेट. देख रहे हो, तो जीनियस यही प्रकार से अलग होता है. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई से एक्स्ट्रा भी आप कुछ ना कुछ करते हो. जैसे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ, मतलब कुछ आप सपोर्ट मटेरियल भी पढ़ रहे हो. ठीक है, आप 10 ईयर भी पढ़ रहे हो, पिछले साल के पेपर भी पढ़ रहे हो, कुछ अलग बच्चों से अलग कलर. तो जीनियस में यही जाते हैं ऐसे बच्चे. तो उन अपने आइडियाज को जनरेट करते थे सीक्रेटली ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, ही फेल्ट इन लव. कॉमन सी चीज है, ठीक है, ही फेल्ट इन लव, और लव में चले जाते हैं विद दिस फेलो, अपने जो सहपाठी थी उनके साथ. ठीक है, जो फेलो मतलब के साथ पढ़ने वाली थी, उनके साथ की इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, वो भी मेलविया मार्क. ठीक है, मेलविया मार्क के साथ उनको प्यार हो जाता है. ही वॉन्टेड टू मैरी, और उनके साथ वो शादी करना चाहते हैं. बिल्कुल अच्छी बात है. ठीक है, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट. यहाँ पे एक विलन है जो उनकी माता जी है. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, इसकी माता जी इनके विरोध में थी. एज सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी. एंड 3 ईयर्स ओल्डर देन अल्बर्ट, और जो
3 साल बड़ी थी अल्बर्ट से, तो इसके लिए उसकी माँ को थोड़ा सा अनोइंग से लग रहा था यार, तीन एक तो बहुत ही पढ़ी लिखी हुई है, ऊपर से 3 साल बड़ी है अल्बर्ट से। लेकिन क्या होता है, प्यार प्यार होता है, ठीक है। फाइनली क्या होता है, द पेयर फाइनली मैरिड, ठीक है, जो जो जोड़े थे उन्होंने फाइनली मैरिड कर लिया, शादी कर ली 1903 में, ठीक है, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर इन्होंने मम्मी मम्मी को बना बनो के चलो चलो भैया शादी करते देखी जाएगी। एंड हार्ड टू हैड टू सन्स, ठीक है, सन्स इन 1905, ठीक है, 1905 में इनके पास दो बच्चे भी हो जाते हैं, 2, 3, 2, 5, ठीक है, तो 2 साल के अंदर दो बच्चे भी हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, इस पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो वो देखो याद रहे ना, सेक्रेटरी वो काम भी कर रहे थे अपने सीक्रेट। हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो इन्होंने E इज इक्वल टू MC2, तो इन्होंने वर्ल्ड को एक फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू MC2, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के सापेक्षता को समझाती है या दर्शाती है। इन्होंने काफी वर्ल्ड को चेंज कर दिया था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है, कुछ सालों के बाद क्या होता है, देखिए, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकम वीक, अब इनकी जो शादी अब कमजोर पड़ गई। भाई साहब लव मैरिज में मोस्टली यही होता ही है, स्टार्टिंग में जितने स्पीड से बढ़ता है और इतने स्पीड से गिरता भी है, मोस्टली केसों में यही देखा जाता है, बाकी सबका अलग अलग केस है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद द मैरिज बिकम वीक, उनकी जो शादी थी बहुत ही कमजोर पड़ गई, मतलब रिश्तों की बात चल रही है। मेलविया स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो इतनी इंटेलिजेंट होते हुए भी बस एक उसकी महत्वाकांक्षी जो थी उसको अब सब कुछ छोड़ जा रही थी, बस एक हाउसवाइफ बन गई थी वो, और इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद बस हाउसवाइफ बने रहे, उसके लिए वो ठीक नहीं लग रहा था। इन 1919 में द कपल, ठीक है, फाइनली डिवोर्स्ड एंड ही मैरिड हिज कॉन्शियस एलेसा एंड सेमियर, मतलब देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं, उन्होंने तो मतलब तलाक ले ही लिया, मतलब उसने तलाक लिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन अगले उसी साल वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 शादी कर रखी है, इस बात को समझिएगा, ऐसे वैज्ञानिक है। और देखिए कितनी साल उनकी कहानी चली, 1902 1919, अगर 2 से स्टार्ट करें इसे, अगर 19 कर दे तो 19 में 2 कर 17, बस भाई साहब 17 साल चलते 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 अंत में शादी टूट गई। चलो ये तो बात की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ ले तो पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन दिखा रहे ना, बड़ों के बाल सफेद सफेद हो गए हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू MC2 भी दिया गया है, काफी नया इन्होंने दिया था, इनोवेशन किया था। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब इनके रिलेटिविटी थ्योरी को पब्लिश किया गया, इट गेव अ न्यू मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्रेविटी, इन्होंने ग्रेविटी को एक नया वर्ड दिया, एंड इक्लिप्स सब कुछ लिखा हुआ मैंने, इक्लिप्स मतलब होता है आपका ग्रहण, ठीक है, सब लिखा हुआ, एनर्जी, एम्बिशंस, डिवोर्स, ठीक है, इक्लिप्स, ठीक है, इमर्ज, ठीक है, सब लिखा हुआ आपको, लास्ट में मैं आपको ये वर्ड मीनिंग दे दूंगा, ताकि आप जब आप अपने सपोर्ट मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपको समस्या उतनी नहीं आएगी, ठीक है। एज छापा गया एक्लिप्स, और जो इनकी रिलेटिविटी थ्योरी थी उन्हें इनको छापा गया 1915 में, एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, ठीक है, ब्रॉट प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट, अब जब 1919 में सूर्य ग्रहण लगा तो इनकी थ्योरी ने उस चीज को प्रूफ कर दिया। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूज़पेपर में लिखा इन्होंने एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी था, ठीक है, हिज रिसीव नोबेल प्राइज इन 1901, ठीक है, इन दो को इतने 15, 5, 20, 21 तो 6 साल बाद इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, ही वाज प्राइज, इन्होंने सराहना की गई फॉर हिज वर्क, इनके वर्क के लिए ऑल ओवर हिज वर्ल्ड, पूरे संसार में। इन 1933 नाजिया केम्स टू द पावर इन जर्मनी, में जब नाजिया जो अपनी पावर में आ जाती है, सो ही इमर्ज्ड टू
द यूएस और इमिग्रेट टू द यूएस, और वो इमिग्रेट कर चले जाते, मतलब कहने मतलब अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाते, दूसरे देश में। कहाँ पे जाते हैं? यूएस में। 5 years आफ्टर द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, तो 5 साल के बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन को खोज लिया गया, मतलब नाभिक विखंडन को खोज लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया। अमेरिका फिजिस्ट वर वेरी अपसेट, जो अमेरिका के जो भौतिक वैज्ञानिक थे काफी इसको लेके चिंतित थे। दे वर अफ्रेड द नाज़िया कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, उनको लग रहा था अगर इनको इतना समझ में आ गया तो ये एटॉमिक बम बना सकते हैं, क्योंकि वो पता निरंकुश शासक थे, जो नाज़िया वाले थे नाज़ीवाद, वो निरंकुश शासक थे और वो ऐसा कर भी सकते थे। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कलीग्स, कलीग्स मतलब जो था अपने साथ काम करने वाला, कलीग्स के साथ काम करने वाले, ही रोट अ लेटर टू द अमेरिका प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, उस टाइम के अमेरिका राष्ट्रपति रोजवेल्ट को पत्र लिखते हैं, ठीक है। आज के राष्ट्रपति कौन है वहां के? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड डक होता तो अच्छा रहता, आज तो ट्रंप है। तो रोजवेल्ट वार्निंग हिम, उन्हें वार्न करते हैं, दैट रोजन हिम मतलब वहां के प्रेसिडेंट को वार्न किया जाता है, दैट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सेम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। एक सिंगल बम आज एक छोटी से मतलब टापू को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है और उसके आसपास के वातावरण को भी, ठीक है। अमेरिका सेक्रेटरी डेवलप्ड दैट एटॉमिक बम, और अमेरिका ने भी सेक्रेटरी इस बम को बना भी लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापान भी, उन्होंने गिरा भी दिया। सिटी, जो दो सिटी याद है ना आप लोगों को, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टीन वाज वेरी डिस्टर्ब, आइंस्टीन इस चीज को देख के काफी दुखद महसूस हुआ कि मतलब उनकी कहज, उनकी जो मतलब जो डिस्कवरी थी कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही थी। आइंस्टाइन वाज वेरी डिस्टर्ब हो गए थे बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन। ही अगेन रोट अ लेटर द सेम टाइम टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उन्होंने सेम टाइम एक यूनाइटेड नेशन को पत्र लिखा, नहीं एक संसार की सरकार होनी चाहिए, जैसे एक देश की सरकार होती है कंट्रोल करती है, तो एक संसार की सरकार होनी चाहिए पूरे देश को कंट्रोल करे। तो आइंस्टाइन गॉट पोलिटिकली इन्वॉल्व इन नेक्स्ट 10 ईयर, और नेक्स्ट 10 सालों में वो कहाँ चले गए, क्या कहते हैं इसमें आपके पॉलिटिक्स में चले गए, और कहाँ पे पॉलिटिक्स में चले गए, राजनीति में चले गए। प्रोटेस्टिंग इन द एंड आर्म्स, और आर्म मतलब होता भुजा, अगर एस लग जाता है तो हथियार हो जाता है, तो हथियारों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिल्ड अप, ठीक है। ही कैंपेन फॉर कैंपेन, उन्होंने कैंपेन भी किया पीस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए अपील भी की। द साइंटिफिक जीनियस डाइड, जो ये हमारा साइंटिफिक जीनियस था वो अंत में मर गया इन 1955 में मर गई ये एट द एज ऑफ 76, तो बुढ़ो 76 साल के होके मरे ऐसी बात नहीं है। ही वाज सेलिब्रेट एज अ विजनरी एज अ वर्ल्ड सिटीजन, तो उन्हें एक दूर संसार में दूरदर्शी के तौर पर देखा जाता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और मैं दोबारा बता दूं ये सब जो चीजें हमारी पढ़ाई गई थी वो आपके इसी में से थी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आपको बिना मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। मेरी ये वीडियो चला लीजिएगा, बगल में इसको मिलाते रहिएगा, आप अच्छे से इस चीज को कवर कर लोगे, ठीक है, अच्छे से कवर कर लोगे, आपको मोबाइल में देखना भी नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ चीज को। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अपने चीज पर आ जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कौन थे? म्यूजिशियन, अरे म्यूजिशियन तो वो भाई साहब एवलिन जेंसी थी, ठीक है, तो ये थोड़ी ना था, साइंटिस्ट, टीचर एंड प्रेसिडेंट थोड़ी था, टीचर थोड़ी था, साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइंटिस्ट। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड, क्या गिफ्टेड थे अगर यहाँ पे देखेंगे तो हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स तो था ही मैथमेटिक्स भी था, तो मतलब दोनों 4 नंबर पर, ठीक है। इन 1921 ही रिसीव्ड, उन्हें रिसीव किया गया कौन सा, देखो ये रहा, ही रिसीव्ड, ब्लर नहीं हो रहा ना, नोबल प्राइज, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, नोबल प्राइज। विच वर्ड इज द पैसेज ऑफ सिनोनिम ऑफ फार साइंट, फार साइंट मतलब होता है दूरदर्शी देखना, तो यहाँ पे आपको देखो ये दिखाई गया है दूरदर्शी, तो यहाँ पे आपका विजनरी हो जाएगा दूरदर्शी, ठीक है, और साइनोनियम मतलब समान अर्थ होता है,
ठीक है, कई बार आप लिख चुके हैं, आपको पता भी, वो समान अर्थ बताना होता है। ये हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कितने फटाक से हो गए, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आंसर देना है, तो सेकंड का आंसर देने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं आप। व्हाई वर द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट, जो अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक थे वो क्यों अपसेट थे, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं, द अमेरिकन फिजिसिस्ट वॉज अपसेट बिकॉज बर्लिन हैड डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियर फ्यूजन। उन्होंने जो वहां के बर्लिन के थे, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कवर कर लिया था, ही प्रोसेस कुड बिल्ड एन एटॉमिक बम, और वो एक एटॉमिक बम बना सकते थे जो कि बहुत ही तबाही ला सकता था, इसलिए वो चिंतित थे। हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी एफ, ठीक है, एफ वाला, हाउ डिड आइंस्टाइन हिज थ्योरी वाज रिलेटिविटी प्रूव दैट बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो पढ़ते हैं, बी वाला था, दिस थ्योरी गिव अ न्यू मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी का उन्होंने एक नया ही मतलब अर्थ निकाल के दे दिया था, एंड वाज प्रूव एक्यूरेट बाय स्कोलर्स क्लिप, जो उन्होंने और जो प्रूफ थ्योरी को कर दिया था जब एक सूर्य ग्रहण हुआ था 1919 में। दिस थ्योरी गेव अ न्यू रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, इनकी थ्योरी ने मास और द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में एक सापेक्षता का नियम बताया था, संबंध बताया था। तो आगे बढ़ते हैं, आपके बाद एफ पढ़ा था ना, जी, ठीक है, जी है यहाँ पे, पार्ले जी। व्हाट डिड आइंस्टाइन वॉर्न द प्रेसिडेंट, द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, तो आइंस्टाइन ने किस बात के लिए वॉर्न किया था, तो आइंस्टाइन वॉर्न अमेरिकन प्रेसिडेंट, अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोड, एक सिंगल बम एक्सप्लोड कर सकता है इन अ पोर्ट, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय काफ सम ऑफ द सराउंडिंग ट्रेजेडी, एक सिंगल बम भी पूरे एक माइट मतलब कर सकता है, देखो याद है माइट का प्रयोग आगे यहाँ पे, वेल बहुत अच्छे तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है एक छोटे से टापू को और उसके आसपास की जगहों को काफी अच्छे से तबाह कर सकता है एक छोटा सा बम, बम बम चिका बम। डू यू थिंक आइंस्टाइन वाज अ जीनियस, क्या आप सकते हैं आइंस्टाइन जीनियस, आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, भैया ने दो शादी भी कर ली, तो नेक्स्ट ये नेक्स्ट लेवल के जीनियस हो गए ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, बाकी आप यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये चीजें आती कैसे हैं, ठीक है, ये देखो ये रहा आपका, ठीक है, एवलीजेंसी वाला, देखो ये रहा 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है, देखो 30 से 40 वर्ड है आपका, तो समझ लीजिए इस चीज को, और आपको बढ़ा के लिखना, हर बार कहते हैं छोटा क्वेश्चन दो छोटा क्वेश्चन, अरे कहां से छोटा क्वेश्चन दे भाई, तब जब ये आ ही रहा है 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। अब दो ही नंबर कहां है याद रखना, दो नंबर कहां है, और आप सोचो इतना सा याद करके मत तीर मार लोगे, बच्चों थोड़ा सा और बढ़ा के लिखे तो और अच्छा बात रहेगी। तो पांच क्वेश्चन करने होते हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक भी ऑप्शन नहीं है, पांचों के पांचों करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर नौ में, ठीक है। व्हाई वाज द एवलीजेंसी वाला था, व्हाई डिड आइंस्टाइन फ्रेंड कॉल हिम द बोर्ड ब्रदर बॉडी, क्योंकि बोरिंग क्यों कहते थे, क्योंकि कुछ बोलता मतलब था ही नहीं ना, केजिया का फादर वाला तो कहीं आ गया। हाउ वाज ईश्वर लाल वाला भी नहीं आया था हमारे पास। व्हाई वाज टोटो रिटर्न टू द टोंगा ड्राइवर क्यों दे दिया गया था, वो टोटो इतना शैतान था, शरारती था, नौटंकी बाज था, इस वजह से दे दिया गया था। काफी झटके से इसका आंसर एक चुटकी में दे सकते हैं, दो नंबर के हैं, पांच दूना दस नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है आपका, ये आठ आठ नंबर के लिए लिखने के लिए अगर इस प्रकार से आएगा जाएगा तो रह जाओगे, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। आप कहेंगे आठ आठ नंबर कहाँ से आता है, तो देखो ये दूसरा पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, नाइन्थ क्लास राहुल का है, एस ए टू मार्च 2020 में हुआ था, ठीक है, ये रहा इसका आठ नंबर का, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 टू 150 वर्ड्स डिस्क्राइब द टोटो मिसचीफ, देखो इसका आंसर इसी में आ गया, पिछले वाले का आंसर, मिसचीफ एट लंच टाइम, अच्छा लंच टाइम के क्या मिसचीफ करता था, हाउ डिड द ऑथर्स फैमिली गेट राइट ऑन द टोटो इन द एंड, और एंड में उसको कैसे राइट करती है, ठीक है। तो इसी इस प्रकार से आपका आइंस्टाइन वाला भी आ सकता है, सीधे आठ नंबर में आएगा। तो चीजें को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से करिए, इंग्लिश काफी मतलब मुश्किल नहीं, एकदम इजी है आपकी, अगर इसे हिंदी से पढ़े जो हिंदी कहानी बस इंग्लिश कहानी है। अब देखो दो दो नंबर वाले यहाँ पे, दो दो नंबर वाले देख रहे हो, दो दो नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स ईच, एक दो तीन चार पांच, मतलब एक भी आपको ऑप्शन नहीं है कि इसको छोड़ के ये कर लेना, ना ना पांचों दिया पांचों करने होंगे। सहनाई डिफरेंट वाज पुंगी, सहनाई और पुंगी से कैसे डिफरेंट है पता है, जो पुंगी थी वो उसको राजा को पसंद नहीं आई थी ना, और जो सहनाई की तो बहुत पसंद आई थी, तो यही थोड़ा सा चेंज करके।
व्हाट डिड ऑफ द रूम डॉक्टर लिविया आपका नहीं पढ़ा है, संतोष बिगेंद्र नहीं आया, वाला भी स्वरलाल वाला भी, तो व्हाट डिड द, तो ये देखो इसमें से अभी नहीं आया, इसमें बस एक ही मिला है ठीक है। तो हो सकता है ये आप पिछली बार ऐसे टू का भी है ना, ये भी ध्यान दीजिए ये आपका ऐसे टू का है, तो आप और चीजें भी आप पढ़ेंगे लेकिन पेपर तो उसी अकॉर्डिंग आएगा ना, पेपर उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो उम्मीद है आप चीज को समझ रहे होंगे ठीक। और जो ये चीज है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जो ये पेपर है एसए टू का भी नहीं किया है लेकिन एसए वन, भाई सब इधर आइए एसए वन वाले, एसए वन ठीक है, एसए वन के सभी पेपर को मैंने अपलोड कर दिया है नाइन्थ क्लास के माय टेलीग्राम को, टेलीग्राम पे जिस बच्चे को ज्वाइन करने में समस्या आ रही है मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा हाउ टू ज्वाइन अ टेलीग्राम ठीक है, इस वाले लिंक पर आप क्लिक करिएगा, आपको एक वीडियो मिलेगी उस वीडियो को देखिएगा और आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। तो लास्ट में एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो डू यू आइंस्टाइन क्या एक वो थे, क्या कहते हैं, बुद्धिमान, जीनियस एक्चुअल लेवल के होते हैं। यस, आइंस्टाइन वाज अ जीनियस, ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, हिज स्पेशल थ्योरी, स्पेशल SPE याद रखना, बोल दे रहा हूं बाद में कोई बच्चे कहेंगे गड़बड़, SPECIL स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मास है तो दम है तो रोक ले, ऐसा नहीं है, मास मतलब यहां द्रव्यमान है, मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और लास्ट में कुछ आपको मैं वर्ड मीनिंग देता हूं, इसे रोक के आसानी से लिख सकते हैं, और यही आपके पास कुछ वर्ड्स मीनिंग इसी चीज की है ठीक है, बोर्न सब कुछ, एनर्जी ठीक है, एम्बिशन, मास मतलब द्रव्यमान मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कवर पता नहीं इसको याद हो गया मेरे को, डिवोर्स ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्ड मीनिंग के बाद चेक करिए क्या मेरी वर्ड मीनिंग सही है, डिवोर्स ठीक है, मेरे ख्याल से सही है, डिस्कवर DEC आता है उसमें, इसमें सीत कहाँ आया है, तो एक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, इम्ब्रेट मतलब स्वदेश त्यागना होता है, फ्यूजन मतलब विखंडन होता है, फ्रेट मतलब घबराना होता है, घबराना ठीक है, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट होता है, याद रखना फ्यूजन मतलब विखंडन, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, डिस्ट्रॉय, विजनरी मतलब दूरदर्शी होता है ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें पढ़ के आपको कुछ चीजें नहीं मिली होंगी, और आप अगली बार लास्ट में जाते हुए फिर कहूंगा कि आप सपोर्टिंग मटेरियल जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आपका जो आपके ये दिया गया है सब कुछ वहीं से लिया गया है, जो सब कुछ ये दिया गया है आपको यहीं से है, तो बार बार आप फोन चला लेंगे अच्छी बात नहीं है, आंखों में दर्द होगा, आप अपनी सपोर्ट मटेरियल निकालिए, इससे इसमें से पढ़िए, काफी अच्छा आएगा, आप वीडियो को चला के सुनते रहिए, दोनों अच्छी बात है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम भी लगातार अगर यहाँ पे देखो तो आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी हो जाते कई बार दर्द सर में, कोई बात नहीं है। तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।